सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, खेमो नाशेन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त बुफे, और ये 100 रुपीज़ का बुफे है। और ये 100 रुपीज़ का बुफे क्यों है और कहाँ मिलता है, ये आपको दिखाते हैं। आ जाओ हमारे साथ और बने रहना चैनल पर अगर देखना चाहते हो ज़बरदस्त बुफे 100 रुपीज़ में। आ जाओ बुफे, रेलगाड़ी वाला बुफे है यार। देखो क्या जबरदस्त रेलगाड़ी बनी है यहाँ पे, कितनी आइटम्स की। और दिखाते हैं इस रेलगाड़ी के हर डब्बे में क्या क्या है वो भी दिखाते हैं। शुरू करते हैं आपको सैलड से, और सैलड जबरदस्त यार, ग्रीन सैलड है यहाँ पे। और ग्रीन सैलड के साथ थोड़ा सा लच्छा अनियन है हमने ले लिया। और आपको पता है हम ये हरी मिर्च तो हम कहीं छोड़ते ही नहीं यार, जबरदस्त हरी मिर्च हम ले लेते हैं। अचार है, अचार पर मुझे लेना नहीं है, गला मेरा ख़राब रहता है। मंचूरियन यार जबरदस्त मंचूरियन है, और नूडल्स हैं, है ना। तो नूडल तो आपको पता है कि आपका यार जरूर खाता है, तो थोड़े से नूडल यहाँ पे ले लिए आपके भाई ने, और उसके ऊपर डाल लेंगे हम मंचूरियन। क्या ज़बरदस्त ग्रेवी मंचूरियन है, कलर तो देखो यार, क्या ज़बरदस्त चाइनीज़ का खाना लग रहा है ये मंचूरियन नूडल्स। बच्चे तो खुश हो जाएंगे यार इसमें, और बच्चों के लिए तो सिर्फ 100 रुपये में, 100 रुपीज़ मैंने आपको बताया था बुफे, 100 रुपीज़ में सिर्फ बच्चों के लिए है, 149 में अडल्ट के लिए, और 100 रुपीज़ में बच्चों के लिए। यार बच्चों को ये लाओ ज़बरदस्त। मैं तो यार इतनी बड़ी ट्रेन है, मैं सोच रहा हूँ पर प्लेट भी छोटी पड़ जाएगी यार, डालना कहाँ है। तो रायता मैं बाद में डालूँगा अगर जगह बनेगी, तो पहले मैं सब्ज़ियाँ डाल लूँ यार। सब्ज़ियाँ थोड़े से राइस ले लेता हूँ यहाँ पे, राइस मैंने थोड़े से लिए यार, वेस्ट नहीं करना है। 149 रुपीज़ में भर पेट खाना खाना है, वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। अब आ गई जी यहाँ पे माँ की दाल, माँ की दाल तो हमने खानी खानी है, और ज़बरदस्त माँ की दाल है यार। ओए होए होए होए, जलंधर वालों क्या ज़बरदस्त यहाँ पे खाना मिल रहा है यार। आ जाओ, चटपटे छोले हैं यार, ज़बरदस्त चटपटे छोले। ओहो ये हैं करारे यार, बहुत ज़बरदस्त करारे करारे चटपटे छोले। इधर थोड़े से चावलों के साथ यहाँ पे डाल लेता हूँ यार, क्योंकि तो इधर जगह नहीं बचेगी अभी, पीछे और बहुत सारी आइटम है। पालक कोफ्ता, ये कोफ्ता यार पनीर का है कि पनीर भर के बनाया होगा यार कोफ्ता, तो हम देखते हैं इसको खा के आपको इसका टेस्ट बताएंगे। एक कोफ्ता लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दोबारा चाहिए होगा, दोबारा आ जाएंगे। यहाँ पे बना हुआ है यार कढ़ाई पनीर, क्या ज़बरदस्त चंक्स हैं मोटे मोटे पनीर के, कैप्सिकम, और हो चमक रहा है यार पनीर तो यार, बहुत ज़बरदस्त पनीर है। और पनीर आपको खा के बताएंगे ये असली पंजाब का असली पनीर है कि तोफू तो नहीं है, और देखते हैं चल के। अब जगह थोड़ी सी यार इधर चावलों के ऊपर ही बची है, उस पर डाल लेते हैं रायता। और ओ यार एक बार रेलगाड़ी जरा दूर से दिखा दो, दूर से दिखाओ, देखो कितनी बड़ी रेलगाड़ी है यार, कितनी बड़ी। ओ भाई मैं नज़र आ रहा हूँ आपको, देखो यार कितनी बड़ी रेलगाड़ी है यहाँ पे, सामान की खाना भरा पड़ा है। 149 में अडल्ट के लिए, 100 में 8 साल तक के बच्चे के लिए, अनलिमिटेड फूड है, जितना मर्जी खाओ। आओ टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसा है। हाँ जी दोस्तों, जैसे आपने भी देखा यार खाने की लंबी रेलगाड़ी, उस रेलगाड़ी के सारे डब्बों में से बढ़िया जो फूड था वो भर के ले आए हैं, और लेके उतना ही आए जितना हम खा सकें यार। आप भी उतने ध्यान रखना, 149 में अडल्ट के लिए, 100 रुपीज़ में चाइल्ड के लिए, 8 साल तक के बच्चे के लिए, अनलिमिटेड फूड है यार। चाइनीज़ है, छोले हैं, पनीर ज़बरदस्त, पालक पनीर है, दाल है, सैलड है, चावल है, रोटियां अनलिमिटेड आप लगवा सकते हैं अपनी चॉइस की, मिस्सी रोटी, पराठा, बटर नान, जो आपको खाना है। अब इसका करते हैं हम टेस्ट तो पहले करेंगे यार, चाइनीज़ से चाइनीज़ में आ गया मंचूरियन। और ये देखो क्या ज़बरदस्त कलर है यार, ज़बरदस्त कलर लग रहा है मंचूरियन का, टेस्ट करके देखते हैं। यार बहुत ही बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम, गर्मा गर्म, ऐसे कड़ा कड़ा सा नहीं है कि बुफे है तो भैया जो मर्जी पहल दो, ऐसा नहीं है, ज़बरदस्त है यार ये बुफे तो, वाकई बहुत अच्छा है। इतने सारे बुफे आपके भाई ने टेस्ट करे हैं, लेकिन ये अभी तक तो पहली बाइट में मेरे को इम्प्रेस कर दिया इसने। जलंधर में फ्रेंड्स किचन, और ज़बरदस्त बुफे, लोकेशन आपको इसकी दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में। और थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, लाइट उन्होंने बहुत तेज़ लगा रखी है, एयर कंडीशन चिल कर रखा है, उसकी वजह से थोड़ा हमारे कैमरे में ना फ्लिकर आ रहा है, पर यार सॉरी उसके लिए। और आप फिर हमारे साथ बने रहना इस वीडियो में, और देखना पूरा वीडियो, इसमें बहुत कुछ बताने वाला हूँ आपको मैं, नज़ारा आ जाएगा यार। ज़बरदस्त चाउमीन,
यहाँ पे हैं। ऊपर थोड़ी सी ग्रेवी मंचूरियन की डल गई है क्योंकि मंचूरियन मैंने इसके ऊपर डाला था और बढ़िया बने हुए देखते हैं। हल्का स्पाइसी है यार, गले से पता लग रहा। ओहो ये यार बिल्कुल चाइनीज नूडल हैं, ये पंजाबी सेफ के बनाए हुए नहीं हैं। विनेगर का, सोया सॉस का फ्लेवर आ रहा है यार, पता लग रहा है ये किसी बहुत बढ़िया चाइनीज बनाने वाले ने बनाए हैं और नज़ारेदार हैं दोस्तों। यार आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है, अलग अलग शहरों में जा रहा है, बूफे आपके लिए लेके आ रहा है यार। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो यार, बताओ ना हमें कैसे वीडियो बनाने हैं और आगे कैसे बढ़ना है यार। आप लोग हमारा साथ दोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएं और आपके भाई की मेहनत सफल हो जाए यार, मज़ा आ जाएगा। ये तो खा लिया, अब आ गई चावल की बारी और चावल पे हमने डाल दिया था रायता, और रायता बूंदी वाला रायता है यार। थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर, काला नमक का और मिंट का हल्की हल्की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त देखें। ओ भाई ये तो बिल्कुल चिल्ड रायता है यार, गर्मी को दिनों में इतना ठंडा रायता खाने का तो नज़ारा ही कुछ हो रहा है। चावल गर्म है, दही ठंडा और नज़ारा आया। उसके साथ ये चटपटे छोले हैं यार, चटपटे छोले जैसे चाट वाले सूखे छोले नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही मसाला चना ज़बरदस्त। ओहो आहा, भले भले भले, नज़ारा आ गया। चटपटे, हल्का नींबू निचोड़ा होता है जैसे, ऐसा फ्लेवर। ओहो ओहो सही में ज़बरदस्त है यार, ये तो छोले खाने बनते हैं यार। ओए होए ओहो मज़ा आ गया। यहाँ पे पालक कोफ्ता देखें ज़रा, पालक कोफ्ता खा के, मेरी फेवरेट है। और कोफ्ता इन्होंने पनीर का बनाया है यार, ये आम मैदे का कोफ्ता नहीं है, हल्का सा इसमें पनीर है। और पालक कोफ्ता नहीं, पालक मलाई कोफ्ता, क्या ज़बरदस्त टेस्ट है। और पनीर देखो ज़बरदस्त मोटा मोटा पनीर, और ये अभी आपको देख के बता रहे हैं कि पनीर कौन सा है, ये टोफू है, ये पंजाब का रियल पनीर है। आह खुशबू ज़बरदस्त है यार। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है आपका भाई क्या बोलने वाला दोस्तों? ये पनीर पंजाब का पनीर, दूध का पनीर है, टोफू नहीं है, और टेस्टी है, बहुत बढ़िया। ब्रेड्स में आपके पास चॉइस है, तंदूरी पराठा लीजिए, बटर नान लीजिए, मिस्सी रोटी लीजिए, प्लेन रोटी लीजिए, जैसे आप लेना चाहते हैं। हमने रोटी ले ली है, रोटी के साथ थोड़ी सी दाल ट्राई कर लेते हैं और आपको इसका भी फ्लेवर दे देते हैं। दाल मखनी ज़बरदस्त, ओह बहुत बढ़िया दाल है यार, वाकई बहुत अच्छी दाल है, मज़ा आ गया। सैलड है, जितनी बार आप चाहो उतनी बार आप वहाँ से उस ट्रेन में से ना भर के अपना ला सकते हो प्लेट। 149 फॉर अडल्ट्स, 100 रुपीज़ 8 साल के बच्चे का, 8 साल तक के बच्चे का, और छोटे बच्चे का तो फ्री है। हाँ लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, टाइम लिमिट है यार, 30 मिनट्स हाफ एन आवर की, आधे घंटे तक ही आपको अलाउ करते हैं, पर आधा घंटा बहुत होता है यार। आधे घंटे में आप इंजॉय करके भी खाना खा सकते हो और पेट फाड़ के भी खा सकते हो, चॉइस आपकी है। पर मैं जानता हूँ आपको, आप इंजॉय करके खाएंगे, इसीलिए आपको बढ़िया से बढ़िया बूफे हम दिखाते हैं। तो अगले बूफे में या अगले वीडियो में हम आपको कहाँ पे मिलें, हमें सजेशन कीजिए, कमेंट करके बताइए यार कहाँ है, हमें ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, बता दीजिए। और इंजॉय कीजिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए रब रखा, चाओ।